अब आपको अपडेट करें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूदुर रशीद गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मियां महमूदुर रशीद को लाहौर डिफेंस से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रही हैं, मियां महमूदुर रशीद लाहौर के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार किए गए हैं। पीटीआई के एक और रहनुमा मियां महमूदुर रशीद को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, अब आपको बताते चलें कि आज जो के इंतखाबात होने थे वो पंजाब में उसका इनेकाद नहीं हो सका, लेकिन पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुर रशीद गिरफ्तार हो गए हैं लाहौर से डिफेंस में। इसी हवाले से बात करते हैं अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, बताइएगा मियां महमूदुर रशीद को अब गिरफ्तार किया गया है? आज बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूदुर रशीद को डिफेंस से गिरफ्तार किया गया है। सीआईए इकबाल टाउन पुलिस ने महमूदुर रशीद को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उनके खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा जो है वो दर्ज हैं, और एहतजाज के दौरान जलाओ गिराओ तोड़फोड़ का मुबैना तौर पर इल्जाम उन पर आयद किया गया है। और उससे ये भी कहा गया है एफ आई आर के दौरान कि इनकी जो गोली थी वो एक कारकुन को लगी थी जिससे वो जहां बक हुआ था। इस हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात में इनको पकड़ा गया है, तमाम इस हवाले से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके मजीद पूछताछ की जा रही है। सीआईए इकबाल टाउन पुलिस ने जो है वो डिफेंस से इनको पकड़ा है और वहां पे ये रिपोर्ट थे। तमाम इस हवाले से जो पुलिस हुकाम है उनका कहना है कि उनसे तहकीकत की जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है और उनको पकड़ा नहीं गया था, लेकिन अब गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर उनसे तहकीकत की जा रही है। साथ ही साथ उनके साथ जो कारकुनान थे उस हवाले से भी तफसीलात मंगवाई जा रही हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किया गया था तो ये कहा गया था कि इनके साथ जो थे 50 से 100 लोग मौजूद थे जो इनके साथ एहतजाज कर रहे थे, और इस दौरान जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ की गई थी और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया गया था। इस इल्जाम पर इनको पकड़ा गया है और मजीद तहकीकात इनसे की जा रही है। वक्तन बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी।